सिंपल चीज हुई, मतलब इसको डिकंस्ट्रक्ट करते हैं। पेटीएम के दो बिजनेस है, एक तो पेमेंट, ठीक है, आप और मैं पेमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को या बैंक को किसी को, तो वो पेमेंट या तो हम अपने बैंक से डेबिट करके आपके बैंक में ट्रांसफर कर दूं, तो वो एक सिंपल, ये पेटीएम का पुराना बिजनेस था जिसको वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं क्योंकि वो एक फिनटेक कंपनी है, पूरे देश में रीच है। प्रॉब्लम है उस पेमेंट में, उस बिजनेस में पैसे नहीं बनते, तो उन्होंने कहा कि अब पैसे कैसे बनाए, तो एक हम लेंडिंग भी करेंगे, तो लेंडिंग के लिए उन्होंने आरबीआई से पेमेंट बैंक का लाइसेंस ले लिया। तो आरबीआई ने कहा कि आपको अगर वॉलेट में पैसे डालने हैं किसी से लेके, तो आप इस वॉलेट में, ये बैंक में जाएगा, क्योंकि आरबीआई उसको रेगुलेट करता है। आरबीआई ये रेगुलेटर है कि किसी भी रिटेल डिपॉजिट होल्डर के पैसे सेफ रहने चाहिए, तो एक बैंक का लाइसेंस है, तो उस बैंक को वो यूज कर रहे थे लेंडिंग के लिए। तो आपने जो सुना होगा पिछले दो तीन कॉन्फ्रेंस कॉल्स में कि लेंडिंग का बिजनेस बढ़ रहा है, 30%, 40%, 50% बढ़ गया, और वो प्रॉफिटेबल होगा। इन्वेस्टर्स का फोकस उस लेंडिंग बिजनेस में था प्रॉफिटेबिलिटी। अब अनफॉर्चुनेटली आरबीआई ने कहा कि आप लोग 2020 से नॉन कंप्लाइंट है, आपको हमने वार्निंग दी, आपको कई बार बोला, समझाया, आप लोग नहीं सुन रहे हैं, आपका ये लाइसेंस अभी रद्द किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, आप 29 फरवरी से आपका लास्ट डे, उसके बाद से आप बैंक का बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो मतलब जो लीड बैंक कंप्लीट बैन, तो ना आप डिपॉजिट ले सकते हैं, तो आप वॉलेट में पैसे किसी के नहीं डलवा सकते हैं, आप अपना पेमेंट का जो सिर्फ बिजनेस है, जो यूपीआई पे आप पेमेंट ले रहे हैं दे रहे हैं, वो आप चलने दीजिए, पर उसमें पैसा आप अपने पास नहीं रख सकते, आप वो चला जाएगा। तो अब प्रॉब्लम ये है कि वो जो बिजनेस है वो आप फिर पुराने टाइम पे आ गए, जिसमें आपके एक्सपेंसेस हैं पर इनकम नहीं है, और जो बिजनेस जिसपे आप बैंक कर रहे थे वो बंद हो गया। तो ये एक बड़ा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, वो खड़ा हो गया कि भाई अब कंपनी में रहा क्या। और आरबीआई का जो सर्कुलर आप देखें, एक पेज का, और बड़ा सिंपल और डायरेक्ट है, उसमें बहुत डायरेक्ट है, उसमें क्लियर डायरेक्शन है कि आप बंद कर दीजिए ये सारे बिजनेस। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं वो ऑब्वियसली वो कहेंगे कि भाई अगर 30,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है तो वो किस लिए है, 10,000 करोड़ उसके पास कैश है, पर जो 20,000 जो हम नेट दे रहे हैं बाकी, वो किस लिए है। तो आई थिंक वही एक पैनिक है कि जो आप बिजनेस में आप बैंक कर रहे थे, मैनेजमेंट ने एक क्लैरिफिकेशन दिया कि हम दूसरे बैंक्स के थ्रू करेंगे, पर अब जब वो होगा, किस फॉर्म में होगा, कैसे होगा, वो बाद में असेस होगा। अभी के लिए तो पूरी पैनिक सिचुएशन है, और वो पैनिक सिचुएशन जायज है क्योंकि आप जो बिजनेस चला रहे थे वो अब आपके हाथ से चला गया। तो अब इसमें निवेशक क्या करें, कुछ उनके पास कोई रास्ता बचा क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता कि एक पहले तो सबसे बड़ी बात की, मुझे नहीं लगता कि ये टाइम है कि कोई एडवेंचरस बाइंग करे उसमें। नहीं, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनको तो सर्किट लग रहा है, तो उनको तो ऑप्शन ही नहीं है। जब तक सर्किट खुलेगा नहीं, तब तक मुझे नहीं लगता कि सर्किट खुले भी तो किसी को इसमें एवरेज डाउन करना चाहिए, या सोचना कि मैंने 1,000 रुपये पे लिया था, अब कम में मिल रहा है तो मैं इसको एवरेज कर लेता हूँ, क्योंकि एक ये बिजनेस क्या है यही अभी समझना बहुत मुश्किल है। और एक जी प्रकाश जी, ये बड़ी मतलब अनफॉर्चुनेट स्टोरी है।